अगर आप भीड़ से अलग होना चाहते हो देन आपके अंदर एक स्किल होनी चाहिए, उसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी स्किल है जो आपको लोगों से अलग कर सकती है, प्लस वो स्किल आपको लोगों से काफी आगे ले जा सकती है, काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ सकती है केवल उस एक स्किल की वजह से। और वो एक ऐसी स्किल है जो हर एक इंसान में होनी चाहिए, भले वो किसी भी फील्ड का हो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाओगे ताकि आपकी लाइफ में ग्रोथ काफी ज्यादा आए, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं उस पर बात करूंगा, उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिले जो आपको ग्रो करने में हेल्प करेंगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को। कम्युनिकेशन का मतलब केवल बोलना नहीं होता है, कम्युनिकेशन में आप सुनते हो, बोलते हो, एक्शंस को समझते हो, ठीक है। कम्युनिकेशन एक फील होता है, आपको फील करना होता है सामने वाले बंदे को, तब जाके अच्छा कम्युनिकेशन होता है। तो जो पहली चीज जो मैं बताने वाला हूँ वो ये कि आपको लोगों को सुनना होगा, ठीक है। लर्न टू लिसन। होता क्या है कि हमें अपना पॉइंट रखने की इतनी जल्दी होती है कि हम दूसरों को सुनते नहीं। हमें जो हमारे दिमाग में चल रहा है हमको बस वो लोगों को बताना है ताकि हमारे बारे में या तो हमारी प्रशंसा हो जाए या लोग देखें कि अरे वाह ये तो गजब का आदमी है, ठीक है। लेकिन ये कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप ऐसा करते हो, अगर आप दूसरों को नहीं सुनते और अपना पॉइंट रखने के लिए आगे रहते हो, देन आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, ठीक है। अगर कोई बंदा सामने बोल रहा है तो उसको सुनो, उसको समझो। दो चीजें होती है, लिसनिंग और हियरिंग, ये दोनों अलग अलग होती हैं। लिसनिंग का मतलब होता है सुनना और सुन के उसको समझना, यानी कि जो वर्ड बोले जा रहे हैं, ठीक है, जो भी वर्ड बोले जा रहे हैं उसको समझना, प्लस वो किस तरह से बोले जा रहे हैं उसको समझना, ठीक है, उसको हम कहते हैं लिसनिंग। जब आपकी लिसनिंग स्किल अच्छी होती है देन आप कम्युनिकेट अच्छे से कर पाते हो, क्योंकि आपको सारी चीजें समझ में आती है कि सामने वाला बंदा क्या कह रहा है और फिर आप उस हिसाब से बातें करते हो। अगर आप सुनते नहीं हो और केवल अपना पॉइंट रखना चाहते हो देन सामने वाला बंदा ऑफेंड हो सकता है या फिर इरिटेट हो सकता है, क्योंकि बात कहीं और जा सकती है। हो सकता है कि आप, कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे बात कुछ और चल रही होती है और आके अपना कुछ भी बोल देते हैं, तो वैसे लोग किसी को पसंद नहीं होते क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल काफी खराब होती है, क्योंकि वो बात सुनते नहीं है, बात जानते नहीं है, बातों को समझते नहीं है, बस बोलने के लिए आ जाते हैं। तो आपको ख्याल रखना है कि जब भी आप कहीं पर हो, 1-to-1 में हो या फिर ग्रुप में हो, तो लिसनिंग पर फोकस करो। जितना ज्यादा आप सुनोगे उतना ज्यादा समझ पाओगे, और समझने के बाद जब आप बोलोगे तो सामने वाले बंदे को वो चीज काफी अच्छे से समझ आएगी, और जब आपकी बातें उसको समझ में आ जाएंगी देन काम बन जाएगा। देखो, जब आप दूसरों की बातों को फील कर सकते हो, ठीक है, जब आप उसने कोई बंदा आपसे कुछ कह रहा है उसको आप फील कर रहे हो, देन जो आप बोलोगे वो उसके हिसाब से होगा, उसके तरीकों में होगा, ठीक है, मतलब कि उसे वो चीज सुनकर अच्छा लगेगा। तो आपको इस तरह से काम करना है, पहले सुनो, बोलने के ऊपर मत रहो कि भाई मैं तो अपना पॉइंट रख ही दूंगा, पहले सुनो और फिर बोलो। तो ये करने से आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा। चलते हैं हमारे दूसरे टिप के ऊपर, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझो, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन केवल बॉडी लैंग्वेज नहीं होता, उसमें आपकी टोन आती है, पिच आती है, फेशियल एक्सप्रेशन आते हैं, ठीक है, आपकी जो आपका पॉस्चर है वो सब आता है। जब आप ये सारी चीजें समझने लगते हो तो आपको समझ में आता है कि जो सामने वाला बंदा है वो किस मूड में है, प्लस वो जिस तरह से बात कर रहा है उसका क्या मतलब, क्या इंटेंशन है, ये सारी चीजें आप समझ पाते हो, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ यार पार्टी में बहुत मजा आया था, तो क्या आपको मेरे फेस से लग रहा है कि मेरे को मजा आया था? लेकिन अगर मैं कहूँ यार पार्टी में तो बहुत मजा आया था, आपको लगा कि हाँ इस बंदे को एक्चुअली मजा आया है, ठीक है। तो इसी तरह से आप समझ पाओगे कि यार सामने वाला बंदा क्या कहना चाहता है, ठीक है। जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर होते हैं जैसे कि पसीने आना, अगर बोलते हो किसी को ज्यादा पसीने आ रहे हैं तो लोग कहते हैं सर डरा हुआ है कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मदद करती हैं आपके कम्युनिकेशन को अच्छा करने में। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को जब आप अच्छे से समझोगे, समझने की कोशिश करोगे कि सामने वाले बंदे के, एक तरीके से आप उसको रीड कर पाओगे सामने वाले बंदे को, कि जिस तरह से वो बोल रहा है क्या वो सही बोल रहा है, या फिर जो भी वो बोल रहा है उसके पीछे वो क्या इंटेंशन है उसका। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी जब आप वर्बल के साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी अच्छे से समझना शुरू करोगे। अब ये कैसे होगा, ये धीरे धीरे होगा, जैसे जैसे आप लिसन करोगे, जैसे जो पिछला वाला पार्ट था उसको लिसन करते जाओगे, प्लस आप नए लोगों से कम्युनिकेट करोगे, आपको समझ में आएगा कि क्या क्या क्वालिटीज होती है लोगों में, और आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को अच्छे से समझ जाओगे। इसी चीज आती है इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब इमोशनल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं एम्पैथी, ठीक है, वो उसी में आती है। अब एम्पैथी का क्या मतलब है कि आपको दूसरी की फीलिंग को समझना होगा कि वो किस हालत में है या उसका क्या फीलिंग है उसकी। उसको जब आप समझ के बोलते हो, जब उसको समझ के जब आप बात करते हो, देन सामने वाले बंदे को काफी पसंद आती है वो चीज। और यही कम्युनिकेशन है कि कैसे आप अपनी बातों को सामने वालों को पहुंचा देते हो, प्लस उसे समझ भी आती है और उसे अच्छा लगता है, ठीक है। अच्छा बुरा की बात तो चलो वो बात पे डिपेंड करेगा, लेकिन उसे बात समझ में आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको लोगों को समझना होता है, उनकी जो इस वक्त की जो हालत है, जो उनका
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से, या फिर आपको आप कोई बंदा अगर आपसे कह रहा है कि उसके घर में कोई बीमार है तो आप उससे ये तो नहीं करोगे चल ठीक है बीमार तू क्या कर सकता है, ऐसे तो नहीं कहोगे। तो आपको वहां पर फील लाना होगा कि कोई अगर बीमार है तो वहां पर सैड वाला फील आएगा, उस हिसाब से आप बात करोगे। तो ये चीज होती है कि आप दूसरा किस तरह से फील कर रहा है उसके हिसाब से बात करने वाला। अगर दूसरा दुखी है और आप मजे कर रहे हो या फिर उल्टी सीधी बातें कर रहे हो उससे, देन वहां पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना पड़ता है, जहां पर आप लोगों के फील के हिसाब से, ठीक है, जैसा वो बंदा फील कर रहा है उस हिसाब से आप रिप्लाई देते हो बातों का। तो वहां पर क्या होता है, कम्युनिकेशन काफी अच्छा हो जाता है। अब दूसरों को समझने से पहले आपको खुद को समझना होगा, ठीक है, यानी कि सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा कि यार आखिर आप कैसा फील कर रहे हो। अगर आप खुश नहीं हो तो आप दूसरों को खुश नहीं कर सकते। तो पहली चीज कि आप खुद कैसा फील करते हो उसको समझना पड़ेगा, उसके लिए आपको सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा। सेल्फ अवेयर होने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, जो आपको सेल्फ अवेयरनेस की ओर लेके जाएगी। आपको आपकी पॉजिटिविटी मालूम होनी चाहिए, क्या आपका पॉजिटिव पॉइंट है, क्या आपका नेगेटिव पॉइंट है, उस हिसाब से भी आप बात कर सकते हो, ठीक है। तो एम्पैथी बहुत ज्यादा जरूरी है कम्युनिकेशन को सुधारने में, ठीक है। जब आप लोगों के हिसाब से बात करते हो, लोगों को फील करके बात करते हो, तो लोगों को आपसे बात करने में या आपकी बात सुनने में मजा आता है, ताकि आप उनसे कनेक्ट कर पाते हो। यहाँ पर क्या बात आती है कि आप लोगों से कनेक्ट कर जाते हो, और जैसे आप किसी से कनेक्ट करते हो वो आपसे जुड़ जाते हो, और फिर आप अच्छे से उनको कम्युनिकेट कर सकते हो, अपने थॉट्स को उन तक पहुंचा सकते हो। चौथी स्किल आती है क्वेश्चनिंग स्किल। अब ये स्किल जो है काफी क्रूशियल है, ठीक है, यानी कि ये थोड़ी सी अजीब भी हो सकती है कभी कभी। कुछ लोगों में क्या होता है, कुछ लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं और इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन पूछते चले जाते हैं। उन लोगों से लोग काफी नफरत करते हैं जो लगातार एक के बाद एक क्वेश्चन थोप फेंकते जाए, ठीक है। लेकिन क्वेश्चनिंग स्किल काफी अच्छी होती है कम्युनिकेशन के लिए। ऐसी क्वेश्चनिंग स्किल नहीं कि आप एक के बाद एक क्वेश्चन पूछते चले जाओ और वो इररिलेवेंट भी हो, इस तरह से नहीं। आप क्या करो, आपको क्वेश्चन ऐसे पूछने हैं ताकि आप और ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल पाओ। अगर आप सेल्स में हो, ठीक है, अगर आप सेलिंग करते हो, वैसे सेलिंग आपको करनी ही पड़ेगी, तो मान लो अगर आप सेल्स में हो और आपको जानना है कि सामने वाले बंदा क्या स्थिति है, उसकी क्या चीज़ हो, हम उसको ऑफर कर सकते हैं, ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें जाननी है। यानी कि एक तरीके से मान लो चलो आपको उसको कोई स्टोरी सुनानी है। अब स्टोरी आप कोई भी स्टोरी तो सुना नहीं दोगे उसको, कोई ऐसी स्टोरी सुनानी होगी जिससे वो कनेक्ट कर पाए, तो उसके लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी उससे। तो आप उसे राइट क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है, गलत क्वेश्चन। ये भी होता है कि लोग गलत क्वेश्चन पूछते हैं, जो राइट क्वेश्चनिंग होती है वो लोगों से इन्फॉर्मेशन निकलवाती है, और उसके हिसाब से फिर आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हो, अपनी स्टोरी सुना सकते हो, ठीक है। तो अगर मान लो अब यहाँ पे क्वेश्चनिंग स्किल सेल्स में इस तरह से यूज करते हो, अगर आप वन ऑन वन में हो, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है तो बिना समझे उसको बोलो मत। आप दोबारा उनसे पूछ लो कि क्या आप ये कह रहे थे, ठीक है, आप चलाकी से दोबारा क्वेश्चन कर सकते हो कि आपने का मतलब ये था, तो वहां से वो बंदा आपको दोबारा से बताएगा कि मैं ये कहना चाह रहा था, और आपको वो बातें समझ में आ जाएंगी। जब आपको बात समझ में आ गई तो आप अच्छे से उस चीज का रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चनिंग स्किल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक के बाद एक क्वेश्चन, वो भी इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछना, ये बिल्कुल बेकार है। लेकिन क्वेश्चनिंग स्किल आपको इन्फॉर्मेशन निकालने में मदद करेगी, तो राइट क्वेश्चंस पूछो, फर्जी के क्वेश्चंस मत पूछो। बात करते हैं हमारी बोनस टिप के बारे में, जो है कि ह्यूमर को ऐड करना। देखो ह्यूमर काफी ज्यादा अच्छा होता है, लोगों को भी हंसना पसंद है, लेकिन जब भी आप अपनी स्पीच पे ह्यूमर ऐड करते हो या वन ऑन वन जब ह्यूमर ऐड करते हो, तो ये चीज का ख्याल रखो कि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। कहीं से भी आप चुटकुला या मजाक नहीं सुना सकते हो कहीं बीच स्पीच में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिचुएशन के हिसाब से आपको वहां पर जोक को क्रैक करना या ह्यूमर को लाना है, और वो भी अच्छे तरीके से। इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए वो, कि एकदम टॉपिक से अलग ही जाके कहीं पे आपने कुछ कर दिया, वो चीज खराब हो जाएगी। तो ह्यूमर को ऐड करो जब भी आप वन ऑन वन बात करते हो। दूसरी बोनस टिप कि पॉजिटिविटी के साथ रहो, है ना। जब भी आप कहीं पे बात शुरू करते हो तो पॉजिटिव नोट से शुरू करो, नेगेटिव होकर बात मत शुरू करो, या कहीं पे अगर नेगेटिव इन्वायरमेंट है तो वहां पर मत जाओ, या फिर अगर वहां जाते भी हो तो कोशिश करो कि आप अपनी पॉजिटिविटी वहां पर स्प्रेड करो, नेगेटिविटी को लेकर मत आओ, ठीक है। तो इसमें केवल दो ही बोनस टिप मिलेंगे कि आगे भी वीडियोस बनानी है, ठीक है। तो पहली चीज कि आपको ह्यूमर ऐड करना है, दूसरी चीज कि पॉजिटिविटी ऐड करनी है। ह्यूमर में एक खास बात, अगर ह्यूमर नहीं ऐड हो रहा है तो जबरदस्ती नहीं घुसेड़ना है उसके अंदर, ठीक है। ऐसे रखना कि अगर हाँ आ रही है कोई बात, अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो जबरदस्ती नहीं, जान नहीं लगानी अपनी स्पीच में कि मुझे तो ह्यूमर डालना ही डालना है, ठीक है। तो ये थी कुछ टिप, आपको कौन सी टिप अच्छी लगी वो नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताओ। तो और अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। बाकी कम्युनिकेशन पे कुछ ये सीरीज चलती रहेगी, अभी ये पहली वीडियो है, इसके बाद भी और वीडियोस आएंगी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तब तक आप ये दोनों वीडियोस देख सकते हो, और सब्सक्राइब कर दो यार। बाकी मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियोस में, धन्यवाद।